दोस्तों यू कैन अन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहा हूं बीसी सखी बहनों के बारे में, एक बहुत बड़े अपडेट को लेकर। दोस्तों बीसी सखियों ने ब्लॉक प्रमुख को सौंपा 8 सूत्रीय ज्ञापन। ब्लॉक प्रमुख संजय तिवारी ने विभागीय मंत्री व प्रदेश के उप मुख्यमंत्री से मिलकर सभी समस्याओं का समाधान कराए जाने का दिया आश्वासन। आने वाले समय में बीसी सखी बहनों की आठों मांगों पूरी होंगी। इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में बहुत डिटेल में जानेंगे और निवेदन करते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों खबर रामनगर बाराबंकी से निकल के आ रही, जहां पर रामनगर ब्लॉक की बीसी सखियों ने 8 सूत्री मांगों को लेकर रामनगर ब्लॉक प्रमुख संजय तिवारी को ज्ञापन सौंपकर शासनादेश को लागू कराए जाने की मांग की। ब्लॉक प्रमुख श्री तिवारी ने विभागीय मंत्री एवं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मिलकर सभी समस्याओं का समाधान कराए जाने का दिया आश्वासन। इस मौके पर बोलते हुए ब्लॉक प्रमुख श्री तिवारी जी ने कहा कि भाजपा सरकार ने समूह के माध्यम से महिलाओं को सशक्त एवं स्वावलंबी बनाने का काम किया है। लाखों की संख्या में महिलाएं रोजगार से जुड़कर आगे बढ़ रही, समूह को हर जगह प्राथमिकता दी जा रही है। खंड विकास अधिकारी अमित त्रिपाठी ने कहा कि समूह के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। गाँव में कोटे की दुकान का संचालन से लेकर पेड़ा कैंटीन एवं केयर टेकर का काम समूह की महिलाएं कर रही, सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध। विकास खंड स्तर से किसी को कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी। ज्वाइंट बीडीओ राजेश तिवारी ने भी अपने विचार रखे। ब्लॉक प्रमुख के दिए गए ज्ञापन में बीसी सखियों ने शासनादेश के मुताबिक ग्राम सचिवालय में बैठने की व्यवस्था करने, बीसी सखियों का अकाउंट स्थानीय राष्ट्रीयकृत बैंक में करवाए जाने, पार्टनर बैंक डिवाइस सर्विस सेंटर को बैंक के पास खोले जाने, बीसी सखियों का पूरा कमीशन दिए जाने, एनआरएलएम तथा पार्टनर बैंक कर्मचारियों द्वारा सम्मानजनक व्यवहार करने, निर्धारित मानदेय समय पर अनुसार दिए जाने, डिवाइस वापस कर लैपटॉप दिए जाने आदि प्रमुख मांगे रखी। समस्याओं के समाधान के लिए बीसी सखियों द्वारा रामनगर ब्लॉक प्रमुख संजय तिवारी को मांग पत्र सौंपा गया। उपस्थित बीसी सखियों को ब्लॉक प्रमुख तिवारी ने आश्वस्त करते हुए कहा कि बीसी सखियों द्वारा की गई मांगों और समस्याओं को दूर करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। बीसी सखी ब्लॉक अध्यक्ष अनीता ने सभी के प्रति आभार जताया। इस अवसर पर एडीओ पंचायत राम आश्रय, बीएमएम रजनी सहित सभी बीसी सखी बहनें उपस्थित रहीं। आने वाले समय में अगर मैं आपको बताऊं कि इस तरीके से बीसी सखी बहनें काफ़ी बढ़ चढ़ कर काम कर रही और आने वाले समय में ग्रामीण बैंकिंग ढांचागत क्रम को काफ़ी मजबूती प्रदान कर रही हैं, यानी कि आने वाले समय में आप बैंकिंग सारे कामकाज घर बैठे बड़े आसानी से कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको बार बार कहता रहता हूं कि आप अपनी वैल्यू को बढ़ाएं। वैल्यू को बढ़ाने का मतलब ये है आप बैनर, पंपलेट या प्रचार प्रसार के माध्यम से अपने आप को अपने ग्राम पंचायत में स्थापित कीजिए कि मेरे यहाँ ये काम होता है इतने बेहद कम दरों पर, बहुत कम कमीशन पर आपको ये सारी सुविधाएँ आपके घर बैठे दी जाती हैं। तो ज़्यादातर लोग आपके पास आएंगे, ज़्यादातर लोग आपको बुलाएंगे आपके सर्विसेज, आपकी सेवाओं को लेने के लिए। निवेदन करते हैं, अगर जानकारी अच्छी लगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।